मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के 400 पार के दावे को हवा हवाई बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का अभियान चला रही थी, जिसकी पूरी तरह से हवा निकल गई है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और मीडिया को धन्यवाद दिया। इस दौरान जीतू पटवारी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव में 400 पार और हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का अभियान चला रही थी, लेकिन चौथे चरण का चुनाव आते तक वो अपने सभी नारे भूल गए और उनके दावों की हवा निकल गई। जीतू ने कहा कि पीएम मोदी और भाजपा नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस दलालों की लिस्ट बनाकर मुख्यमंत्री को सौंपेगी और उन्हें आगाह करेगी। हम विपक्ष में हैं और विपक्ष की भूमिका को बखूबी निभाएंगे। मैं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं, मैं सारे पत्रकार जगत के परिवारजनों का भी आभार व्यक्त करता हूं चुनाव के बाद। पर पूरे चुनाव के परिणाम को, चुनाव की परिस्थितियों को, बीजेपी का जो मोटिवेशन था, आपकी बार 29 की 29, आपकी बार 400 पार, मैं समझता हूं कि 4 चरण हुए, जब तक आखिरी चरण में तो भूल ही गए हो कि आपकी बार 29 की 29। मैंने आज आपको कहा कि सूची जारी करूंगा तो करूंगा। मैं उस तरीके का आदमी तो नहीं हूं कि बोल दूं और छोड़ दूं। मैं आपसे अनुरोध ये कर रहा हूं कि सरकार हमारी है, प्रदेश की, हम एक विपक्ष जिम्मेवार है। हमारा काम है मुख्यमंत्री को आगाह करना कि आपके दलाल जो घूम रहे हैं, आपकी छवि खराब हो, करप्शन, क्राइम और कर्ज की सरकार बन रही है, तो क्राइम पे कुछ काम करो, करप्शन जो हो रहा दलालों पे लगाम कसो और प्रदेश की जनता की सेवा करो, वादे पूरे करो। हम मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये आगाह कर रहे हैं। जीतू पटवारी के दलालों की सूची वाले बयान पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि जीतू पटवारी केवल प्रचार प्रसार के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में मंत्रालय दलालों का अड्डा बन चुका था। जनता के पैसों को कांग्रेस सरकार ने हड़पा था। देखिए, मध्य प्रदेश में 15 महीने में कमलनाथ सरकार में किस तरह से मंत्रालय दलाली का अड्डा बन गया था, और उसी सरकार में जीतू पटवारी मंत्री थे। ये सभी ने देखा है किस तरह से मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा भ्रष्टाचार के रूप में लूटा गया और 10 जनपद और 24 अकबर रोड तक भेजा जाता था। उमंग सिंघार तो स्वयं कहते थे कि कांग्रेस के नेता ही सभी तरह के माफिया कारनामों में लिप्त हैं। इसलिए जीतू पटवारी की ये बातें केवल और केवल प्रचार प्रसार में बने रहने के लिए है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।